गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे भाई वीडियो पे सभी लोग मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपने व्यूज़ कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, आपके व्यूज़ मतलब हमारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे नहीं, हम लाइव कैसे चलाएँ। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका भाई एक मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है जो मैंने किया है, पर्सनली मैंने किया है, जो मेरी तरह और भी हाउसवाइफ हैं जो करना चाहती होंगी और मैंने किया है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, बहनों यही कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ का भी आपका चैनल है, चाहे वो चैनल आपका शॉर्ट्स का मतलब डांस वीडियोस का हो, चाहे कुकिंग चैनल हो, चाहे कोई फ़नी वीडियो चैनल हो, या आपका जिस किसी भी चीज़ का चैनल है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स कि जैसे मेरा, मैं अपने अपना बता सकती हूँ कि मैंने किस तरीके से गेन करे, तो आप भी उसी तरीके से ट्राई करो, ज़रूर व्यूज़ आते हैं। क्यों पता है? इसलिए क्योंकि यूट्यूब ना नए चैनलों को और नए जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऊपर तक रिकमेंड करता है, यूट्यूब करता है रिकमेंड, क्योंकि जो पुराने होते हैं उनका तो क्या होता है, फेस वैल्यू होती है, लेकिन जो नए यूट्यूबर्स होते हैं जो नया यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन लोगों की फेस वैल्यू तो होती नहीं है, तो YouTube उनके शॉर्ट्स को ज़्यादा और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब भी आपका जिस भी चीज़ का चाहे न्यू चैनल हो, किसी भी चीज़ का न्यू चैनल हो, आप शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा डालिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि आपको शॉर्ट्स डालना कैसे है, मैं अभी आपको ये चीज़ सिखाऊंगी, आप इस चीज़ को सीखना कि किस तरीके से शॉर्ट्स डालने हैं, कैसे शॉर्ट को अट्रैक्टिव बनाना है, उस तरीके से शॉर्ट डालो। और फ्रेंड्स एक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप जब भी शॉर्ट्स डालते हो, आप दिन में चाहे किसी भी टाइम डालते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप मॉर्निंग में शॉर्ट्स डालो। जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो अगर मॉर्निंग में शॉर्ट्स डालेंगे ना, 6 बजे 5 बजे अगर आप शॉर्ट्स डालते हो, तो आपके शॉर्ट्स ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं वायरल होने के, क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो सारा दिन यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को जो है रिकमेंड करता है, हर जगह रिकमेंड करता है, तो वो सारा दिन आपके शॉर्ट्स जो है वो घूमते रहते हैं, सारा दिन यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी भाई, जो भी मेरी तरह जिन्होंने अपना शुरुआत कर रहे हैं और जो चाहते हैं, देखो मेरा तो हो गया है, लेकिन जो चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ, वो लोग कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स डालें और सुबह के टाइम में डालें। और एक टाइम डिसाइड कर लो, या 6 बजे या 5 बजे या 7 बजे, अपना एक टाइम डिसाइड करो, मॉर्निंग का इवनिंग का सेम टाइम रखना, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, चाहे कुछ भी हो जाए आप शॉर्ट्स ज़रूर डालो, ज़रूर डालो। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, पर ज़रूर आएंगे, 110% आएंगे, मैंने किया है, मेरे आए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि शॉर्ट्स को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ, ये मेरे फ़ोन का इंटरफेस है जो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। हम लोग फिर से जाएंगे, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जा रही हूँ, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश किया करो किसी सॉन्ग पे, ओरिजिनल सॉन्ग पे वीडियो बनाओ, अगर डांस का है तो, जैसे कि मेरा डांस का है भाई, तो मैं डांस का ही बता सकती हूँ आपको। तो अगर मेरे को किसी डांस पे कुछ मतलब पसंद आ रहा है, मान लो मुझे इस उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिसके जिसका भी आपको डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या जिस किसी भी चीज़ का आपका चैनल है, मान लो आपका कुकिंग का चैनल है, तो आप किसी एक्सपर्ट कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ से कुछ टिप्स लिया करो कि उन्होंने कैसा थीमनेल लगाया है, कैसे शॉट को अट्रैक्टिव बनाया है, सामने से देखने में शॉट कैसा लग रहा है, क्या कंटेंट डाला है, जिसकी वजह से आपके व्यूज़ 110% बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से सिर्फ व्यूज़ ही नहीं बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। और इसके बाद आप जैसे कि मान लो मैंने जैसे कि मान लो मेरे को एक वीडियो अपलोड, एक शॉर्ट अपलोड, ये वीडियो डालना है, ठीक है, कि औरतें अगर दिमाग पढ़ पाती तो आदमी हर सेकंड में, ये मैंने कंटेंट बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, अपने शॉर्ट के लिए। तो ये मैंने यहाँ से डन कर दिया, क्लिक करूँगी। अगर मुझे सॉन्ग डालना है तो मैं यहाँ से सॉन्ग सिलेक्ट करूँगी, कोई भी सॉन्ग, जूबी डूबी, जैसे आजकल के जूबी डूबी बहुत चल रहा है, ये ले लो। कोई हिंदी सॉन्ग लेना है तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो, देखो यहाँ सर्च करके हिंदी सॉन्ग ले लो, भोले का जो भी है, मान लो भोले का सुट्टा सॉन्ग चाहिए आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो को अट्रैक्टिव बनाना है। आप वीडियो को अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे, आप इस पेंसिल के निशान पर जाओगे, उसके बाद आप यहाँ से देखो, मेरा तो ये फ़ोटो था तो मेरे को तो एक जैसा नज़र आ रहा है अपना सारा इंटरफेस, है ना, लेकिन अगर आपको कुछ और अट्रैक्टिव, मान लो मेरी ये वाला फेस एकदम क्लियर आ रहा है, लोग देखेंगे कि क्या है वीडियो में, तो मैं इस फेस को अपना डन कर दूँगी,
तो ये देखो यहाँ पे मेरा जो शॉर्ट का जो इंटरफेस है वो डन हो गया। उसके बाद यहाँ मैं कोई भी कंटेंट डालूंगी, जैसे कि अभी तो चलो मैंने कंटेंट ऑलरेडी फोटो पे लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर मेरे को कोई कंटेंट डालना है तो मैं यहाँ एक अच्छा सा कंटेंट डालूंगी। जैसे कि क्या डालूँ, जैसे मैंने आदमियों का दिमाग डाल दिया, यहाँ पे एक बेस्ट सी इमोजी डाल देंगे हाथ जोड़ के कि भाई देख लो आदमियों का दिमाग कैसा होता है, या जो भी है आपने। उसके बाद भाई आप अपना शॉर्ट हैशटैग वगैरह लगाओ यहाँ पे। ये देखो जैसे कि कोई भी हैशटैग लगा लिया आपने, जैसे कि मेरे हैशटैग्स का है, चलो इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से। अब जैसे मैंने हैशटैग लगा दिया, यहाँ लिख दो हिंदी ऐसे करके, फिर शॉर्ट, फिर ये, फिर वो, ऐसे कर करके यहाँ से आप अपलोड कर दो ये सब। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। ठीक है, फिर हम बैक चले जाएंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, ये मेरा इंटरफेस आ गया और ये मेरा यूट्यूब चैनल आ गया। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि आप वीडियोस को कैसे अपलोड करो। जैसे कि मान लो मुझे कोई वीडियो अपलोड करना है, यहाँ से मुझे शॉर्ट अपलोड, यहाँ मैं अपने शॉर्ट पे जाती हूँ, और यहाँ जो पेंसिल का निशान दिख रहा है ना आपको, यहाँ से हम अपना थीमनेल का वो सेट करेंगे कि कौन सा मतलब अट्रैक्टिव है, इसको इस तरीके सेट कर लेंगे। मान लो मुझे ये इंटरफेस अच्छा लग रहा है अपना शॉर्ट में, तो हम इसको सेट करके डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्शन में कुछ भी डालेंगे हिंदी में, जैसे कि कुछ भी अट्रैक्टिव सा डालेंगे। जैसे आपने अगर कोई सॉन्ग डाला है तो कोई सॉन्ग, नहीं तो जैसे कि मैं, जैसे मैंने मान लो कोई सॉन्ग डाला है तो दिल टूटा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक अच्छा सा इमोजी लगा दिया, जैसे कि ये रोने वाला इमोजी लगा दिया। उसके बाद अपना शॉर्ट वॉर्ट डाल के अपना यहाँ से अपलोड कर दो। अगर इस तरीके से आप अपना शॉर्ट अपलोड कर, सो फ्रेंड्स आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगी कि जो मेरी तरह मतलब जो मेरी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस तरीके से अगर शॉर्ट्स डालेंगे तो उनकी शॉर्ट्स ज़रूर वायरल होंगे, उनके व्यूज़ ज़रूर आएंगे, उनके सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, इसी तरीके से आप डालिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ज़रूर 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 होंगे।